तो ममता बनर्जी निकली है लालू यादव से मुलाकात के बाद और इस वक्त वो जा रही हैं यहाँ से और मीडिया ब्रीफिंग के लिए बाहर रही है। दीदी कैसी रही मुलाकात लालू जी से? दीदी क्या बात हुई? दीदी लालू जी से क्या बात हुई? आप लोग चुपचाप रहो, मैं बोलने दीजिए। अरे मोबाइल नीचे क्यों ना भाई? पहले मैं कहना चाहूंगी, अरे मोबाइल हटाओ। जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ। ये बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ, लालू जी का साथ मिट करके बहुत खुश हुआ है इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसका तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मिलते हैं। दीदी आपका बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका। ऑलवेज आपका पता है जी। एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं मिनिस्टर, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, तब लालू जी भाषण दे रहा था। प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है? बोलता है सबसे ज्यादा है। ऐसा अभी हम नहीं कर सकता है। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। दीदी क्या आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी? नीतीश जी से मुलाकात करेंगी? उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करती जाए, वो कल मीटिंग में करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।